हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी करंट IPO चल रहे हैं उनके ग्रे मार्केट अपडेट के ऊपर बताऊंगा, धर्माज कॉप का जो सब्सक्रिप्शन अपडेट आया है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, यूनिपार्ट्स जो कि कल के दिन ओपन होने वाला है उसके बारे में कंपनी में आपको ब्रीफ दूंगा, जितने भी IPO चल रहे हैं सबकी ग्रे मार्केट पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज 29 नवंबर का दिन है, आज के दिन डेफिनेटली मार्केट्स में एक शानदार मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला है। निफ्टी ने 55 पॉइंट्स की आज के दिन तेजी करी है, बट डेफिनेटली जो मिड कैप इंडेक्स है उसने 141 पॉइंट्स की गिरावट करी है। और डेफिनेटली मैं ये कहूंगा, अगर मिड कैप इंडेक्स तेज भागेगा देन डेफिनेटली आपको ग्रे मार्केट भी भागती हुई देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा ग्रे मार्केट में गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है कुछ IPOs की, और कुछ IPOs में तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। सारा का सारा जो मूवमेंट है वो मार्केट्स पर डिपेंड करता है। अब सीधे ग्रे मार्केट्स पर चलते हैं। सबसे पहले धर्माज कॉप गार्ड लिमिटेड के IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस की अगर बात करी जाए तो कल ही IPO फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। आज के जो फाइनल नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। टोटल मिलाकर ये जो IPO है रिटेल कैटेगरी में 7.75 टाइम्स भर चुका है, यानी कि हर 8 निवेशकों में से एक निवेशक को ये IPO मिलता हुआ देखने को मिलेगा रिटेल कैटेगरी में। सबसे ज्यादा दोस्तों आज आप कह सकते हैं कि NIIs ने भराया 8.74 टाइम्स, एम्प्लॉइज ने 3.75 टाइम्स, एंड टोटल मिलाकर 5.97 टाइम्स ये IPO जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। एंड अब अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो यहां पर ग्रे मार्केट में ₹2 का और इजाफा आता हुआ देखने को मिल रहा है। 52 रुपए से ग्रे मार्केट बढ़कर लगभग 54 रुपीज होती हुई देखने को मिल रही है इस वेबसाइट पर। दूसरी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो चाणक्य.com की वेबसाइट है, यहां पर भी जो ग्रे मार्केट है वो लगभग 54 रुपीज रहती हुई देखने को मिल रही है। अब यूनिपार्ट्स ग्रुप की अगर बात करी जाए तो दोस्तों मेनली ये जो कंपनी है वो इंजीनियर्ड सिस्टम एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है। और आपने देखा ही होगा अभी जितनी भी इंजीनियरिंग कंपनीज है, चाहे वो BHEL हो गई, अदर इंजीनियरिंग AI इंजीनियरिंग कम हो गई, ये सारी कंपनी जो है वो शानदार तेजी करती हुई देखने को मिल रही है। डेफिनेटली काफी अच्छे टाइम्स पर ये कंपनी अपना IPO लाती हुई देखने को मिल रही है। कल ये IPO ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करें तो 1031 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है और 166 करोड़ का जो प्रॉफिट है कंपनी ने 31 मार्च 2022 को आप कह सकते हैं कि पोस्ट किया था। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, लगभग हर क्वार्टर में कंपनी जो है वो प्रॉफिट करती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर अपन बात करें 21 से 22 तक तो सालाना तौर पर ऑलमोस्ट दोस्तों 100% का गेन है कंपनी के प्रॉफिट्स में। तो ओवरऑल डेफिनेटली कंपनी तो अच्छी है। अब अगर बात करें IPO डिटेल्स की तो 577 रुपीज़ के भाव पर आपको 25 शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे जिनको भी IPO मिलेगा। एंड अगर अपन बात करें OFS का तो ये थोड़ा सा दोस्तों ड्रॉबैक है, कंपनी पूरा का पूरा OFS लाती हुई देखने को मिली है। 835 करोड़ का कंपनी इशू लाई है जिसमें से कोई भी हिस्सा जो है वो फ्रेश इशुएंस के लिए रखा गया है, सारा का सारा जो हिस्सा है वो OFS में कंपनी लाती हुई देखने को मिली है। एंड अगर अपन ओपनिंग की बात करें तो 30 तारीख को कल के दिन ये ओपन होगा, 2 तारीख को बंद होगा, एंड ऑलमोस्ट 12 तारीख को इस IPO की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। एंड उसका जो IPO का जो मेनली वीडियो है वो आपको चैनल पर आज के दिन आउट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा लीजिए। अब अगर बात करें इस IPO की ग्रे मार्केट की तो यहां पर एक तगड़ा फॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। 140 रुपीज से घटकर जो ग्रे मार्केट है वो करंटली 80 रुपीज पर चलती हुई देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 11% की गिरावट जो है इस IPO की ग्रे मार्केट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अब अगर बात बाहेती सिस्टम्स की IPO की तो बाहेती रिसाइकलिंग जो IPO है वो लगभग 30 रुपीज की ग्रे मार्केट चल रही है, 26 रुपीज से बढ़कर ग्रे मार्केट दोस्तों 30 चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड अब अगर बात करें प्रतिका ऑटो इंडस्ट्रीज की तो यहाँ पर जो ग्रे मार्केट है वो स्टेबल होती हुई देखने को मिल रही है, लगभग 7 रुपीज़ यहाँ पर ग्रे मार्केट चलती हुई देखने को मिल रही है। एम्बो एग्रीटेक की अगर बात करी जाए तो एम्बो एग्रीटेक जो कंपनी है इसकी जो ग्रे मार्केट है वो लगभग 14 रुपीज़ चल रही है, लगभग 4% की गिरावट यहाँ पर भी ग्रे मार्केट में आती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अपने सभी ग्रे मार्केट की बात कर ली एक बार, अगर मैं रिपीट करूँ तो धर्माज कॉप की जो ग्रे मार्केट है वो लगभग दोस्तों आपको 55 रुपीज़ चलती हुई देखने को मिल रही है। यूनिपार्ट सिस्टम की जो ग्रे मार्केट वो लगभग दोस्तों 80 रुपीज चलती हुई देखने को मिल रही है। बाहेती साइक्लिंग की 30 रुपीज, प्रतिका इंजीनियरिंग की 7 रुपए और एम्बो एग्रीटेक की 14 रुपए। एंड यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का जो आप कह सकते हैं कि IPO का वीडियो है वो आज चैनल पर आउट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।